कुछ देशों ने पहले ही कतर का मजाक उड़ाया था, उसका कट्टरपंथी कंसर्वेटिव कहने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। जब कतर को फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग अवार्ड हुआ तो लोगों ने खूब मजाक बनाया कि कतर के पास स्टेडियम नहीं है, क्लब वगैरह कुछ भी नहीं है, कैसे करेगा वर्ल्ड कप। सच बताओ तो ये सब नामुमकिन था, लेकिन कतर ने कर दिखाया। आखिरकार लोगों ने कतर का मजाक क्यों उड़ाया? साथ ही साथ वेस्टर्न मीडिया इस वर्ल्ड कप को क्यों नहीं दिखा रहा है? इसके लिए कतर का बैकग्राउंड जानना होगा। लुसेल नाम का आज एक शहर है, वो रेगिस्तान था, आज स्मार्ट सिटी हो गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की होस्टिंग कर रहे कतर ने बेमिसाल काम कर दिखाया। उसके हौसले और इमोशंस को आज दुनिया सलाम कर रही है। वो अपने लीजेंड से समझौता करने को कतर तैयार नहीं है, भले ही इस मेगा इवेंट के लिए रिकॉर्ड 220 बिलियन की भारी रकम खर्च कर रहा है। कतर हुकूमत का कुछ ऐसा अंदाज रहा, जब आप किसी के घर में मेहमान बनकर जाएंगे तो उस घर के कानून और कायदे आपको दोनों ही मानना पड़ेगा। कतर ने दुनिया को सिखाया गेस्ट होस्ट की मेज़बानी कैसे होती है। फीफा वर्ल्ड कप मैच के पहले दिन अलबैद स्टेडियम में मैच देखने वाले हर आम और ख़ास मेहमान को महंगे इतर टी शर्ट जैसे गिफ्ट से भरा थैला दिया। एशिया का पहला देश जो अकेले ही विश्व कप का प्लानिंग करवा रहा है, इसके साथ साथ फुटबॉल विश्व कप का इनोग्रेशन करने वाले विकलांग गनीम अल मुफ्ता है, जिन्होंने प्यार और दोस्ती का मैसेज दिया। इस ओपनिंग सेरेमनी को दुनिया के 500 प्रमुख चैनल पर एक साथ दिखाया गया। इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप को शुरुआत कतर ने एक हैंडीकैप द्वारा उद्घाटन कराकर दुनिया भर को एक अहम पैगाम दिया, जो उन लोगों पर तमाचा है जो अरब लोगों को कट्टरपंथ कहते हैं। आज से 12 साल पहले कतर को फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग के लिए नॉमिनेटेड किया गया था। इतने दिनों में नए नए 5 स्टार्स होटल, एयरपोर्ट, मेट्रो लाइन्स, स्टेडियम, क्लब जैसे बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है। इन सब पर 220 बिलियन डॉलर्स तक खर्च किया, जो कि अब तक का सबसे महंगा वर्ल्ड कप है। इससे पहले कौन सा कंट्री कितना खर्च किया है आप चार्ट में देख सकते हैं। इस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि कतर फीफा वर्ल्ड कप पर 220 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करके पहले पायदान पर आ गया है। इन दिनों कतर एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट होंगे, जहां रोज़ 900 से ज़्यादा यात्री विमान उतरेंगे और एक आंकड़े के मुताबिक रोज़ 12 लाख लोग विजिट करेंगे, और इन लोगों के लिए सारे इंतजाम किया है। इन सब के लिए 8 स्टेडियम, 1 एयरपोर्ट, 1 मेट्रो लाइन्स और कई होटल्स और क्लब निर्माण किया है। ये मैच 28 दिनों तक चलेगा। इतने महंगे और शानदार मेहमान नवाजी के बाद भी यूरोप की मीडिया, इंटरनेशनल सोशल मीडिया कतर हुकूमत का बॉयकॉट कर रहे हैं। इसका कारण ये है, कतर सरकार ने विदेशी मेहमानों से एक रिक्वेस्ट की थी, हमारे यहाँ शराब, बियर, होमोसेक्सुअलिटी, छोटे कपड़े रिस्ट्रिक्शन है, इसी बात को लेकर इतना बड़ा इशू खड़ा किया। एक रिपोर्टर ने सवाल किया तो कतर के फीफा अध्यक्ष ने साफ साफ लफ्जों में जवाब दिया, हम अपने यहाँ आने वाले सभी मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, मगर उन्हें हमारी ट्रेडिशन, दीन और तहजीब का एहतराम करना होगा। हम 28 दिनों के लिए अपना मजहब नहीं छोड़ सकते हैं। वेस्टर्न मीडिया का नारा बॉयकॉट कतर को सबने देखा। दोस्तों आपको बता दूं, आप जमाना बदल गया, मीडिया का हर बातें आम आदमी नहीं सुनते हैं। जो फुटबॉल लवर्स है वो तो ज़रूर कतर आएंगे और कतर का ये कल्चर ट्रेडिशन याद रखेंगे हमेशा। खैर, हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये वर्ल्ड कप अच्छी तरह से एंड हो जाए, और बाकी जो भी कतर वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी को देखा कमेंट ज़रूर करें।